अब हमारे गुरुदेव के प्रति भक्ति करे का केशव गोस्वामी महाराज का विशेष स्नेह था। हाँ, क्योंकि जब मेरे गुरुदेव पहले बैठ में आए, साधारण लोग को पता है कि साधु सब कौन करता है, इसे घर में खाने का नहीं, अनपढ़ लोग सब छोड़ छाड़ के साधु सब बन जाते हैं। लेकिन मेरे गुरुदेव कहते हैं जब मैंने आया फिर मुझे बहुत श्रद्धा नगर में जन्म हुई, बहुत उस समय भी लिखे बड़े थे, लेकिन जब हमारे गुरुदेव मंदिर में आए देखा जी ने हाई भाई देखा पड़े भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, भक्ति माधव गोस्वामी महाराज स्वामी महाराज और उसे भक्ति विलास के तो जितने हाई भाई लिखे पड़े, इतने संस्कृत के विद्वान लिखे लोग, इतने संस्कृत का विद्वान अंग्रेजी बोलते संस्कृत बोलते मेरे को भी सोच रहे थे, मैं तो सोच रहा था साधु से साधारण बैठी, लेकिन पिता बोले इनका सिद्धांत और तत्व विद्या थी, मैं तो कोई था ही नहीं पड़ रहा, इसलिए कि काम लेखा पड़ा से साधु नहीं बन सकते। मेरे गुरुदेव आ रहे थे भद्दा में चले गए, मैंने पहले भी लेखा पड़ा सीख लेता नहीं जिनसे साथ मिला नहीं सकता। फिर मेरे गुरुदेव जा करके हाई स्कूल कले के गए, उसको बाद में गुरु जी लयर मेरे गुरुदेव लयर लॉ पढ़ाएंगे लयर में नहीं गुरुदेव। फिर हमारे लास्ट में जो पेपर देने का था जो भक्ति पर क्या कैसे वो नहीं पा रहा था, बोले क्या कर रहे हो अभी तक ये पढ़ाई में लगे हुए, ये जीवन भगवान ने किसने दिया, ये पढ़ने के लिए ना भजन करने के लिए था, बहुत बड़ा हो गया चलो। इसे मेरे गुरुदेव को जोर करके पकड़ करके चलो भक्ति पर क्या कैसे वो नहीं पा ले आए। इसलिए हमारे महाराज जी की बहुत ही शिक्षा के रूप में मान करते, इसलिए अंतिम समय पर बोल कर गए थे मैं अंतिम समाज को देना, इसलिए मेरे गुरुदेव रात भर जग करके उन्होंने उनको समाज दिया। उसको बाद में कुछ कोड़ी मिला समिति के इधर उधर थोड़ी सी पड़ गया, पर थोड़ी सी घर को जब हुआ मेरे गुरुदेव ने आकर के जिला भक्ति प्रधान जिला बाबा गोस्वामी महाराज को उन्होंने उन्होंने आचार्य रूप में उनको स्थापन किया, बल्कि प्रभुपाद का आश्रित है इसलिए उनको आचार्य रूप में स्थापन किया। जिला भक्ति प्रधान नारायण गोस्वामी महाराज को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, इसलिए भक्ति प्रधान दिलीप महाराज को सेक्रेटरी, ये तीनों को हमारे गुरुदेव ने ही अक्षय तरह से गुरुदेव वकील थे लायर थे, इसलिए उन्होंने सब लीक करके अक्षय तरह से उन्होंने इसी से रूप में तुम लोगों को चलना, अगर कुछ समस्या हो मेरे पास में आना। इसलिए जिनको साथ विशेष संबंध था इसलिए गुरुदेव की कृपा से ही सब लोग जो अपने गौरी विलास समिति को पुनः उन्होंने अक्षय तरह से श्रृंखला रूप में उन्होंने बदल दिया है। जब तक ये तीनों थे तब तक ये समिति बहुत अच्छे तरह से शुद्ध रूप में रहे, इसलिए ये भी कोई विलास समिति को बात से नहीं है। इसलिए आज उनका उनको बोलना चाहता था उनके जीवन लाइसेंस का हमने क्या किया किया, अगर बाद में समय होगा तो मैं बोलूंगा। इसलिए हम ऐसे गुरु जी के चरण में हम लोग आए, इसलिए लेकिन हम तो उनका शिष्य बन के लाइक है नहीं, इनका जो आदर सर सिद्धांत सर तत्व हमारा अगर एक चिंता भी बहुत चीज है नहीं, लेकिन जब उनको शिष्य चरण में आए बड़े दयालु बड़े कृपा थे उन लोगों को बड़े आशीर्वाद थे, कभी ना कभी जैसे उन्होंने प्रभुपाद की सेवा की हम भी जैसे कभी उनके अभिष्ट को हम पूरी कर पाए। हम जय बोल के अपना दर्शन श्री रसान गुरु ने बताया गुरु निष्ठा गुरु सेवा और ग्रंथों में गुरु वर्ग ने कितना जीवन दिया, मतलब एक एक खून खून लेते हुए हम ग्रंथों को प्रकाशन करते जाएंगे। गुरु जी का कहना है बोले क्यों गुरु जी हमें कहते हैं हम लोगों को बोले देखो एक मंदिर बनाने से 200-250-300 वर्ष तक या 1000 वर्ष तक निकल जाता है परंतु उससे आगे नहीं चल पाएगा टूट जाएगा, परंतु ये ग्रंथ मंदिर यदि बनता है तो लाखों वर्ष तक रहता है और कीर्ति को बना करके रहता है। ग्रंथ मंदिर ये कोई बिजनेस बुक नहीं है, ग्रंथ नहीं है, ये व्यवसाय बुक नहीं है, ये ग्रंथ मंदिर है, इसलिए इसमें जीवन दो और इसमें इनाम भी दो। इस प्रकार गुरु जी ने सभी को सिखाया, आज उन्हीं के विषय में श्री रसांग जी ने बताया वर्णन किया। अभी हमारे एक लेखक क्योंकि हमेशा दिल्ली की सेवा में उसने जीवन दिया और हमारे साथ में मन बाल से ही बंधुत्व भाव में और मित्र भाव में रहे और बड़े हमेशा सेवा करती रहती है। डॉक्टर मधु खंडेलवाल एक मिनट बोलना चाहती है।
सामने आए और इस प्रकार जो भी वेदांत पर लिखी है अभी वर्तमान में और प्रकाशन होने के लिए एकदम तैयारी में है, जो कि गुरु जी के स्वास्थ्य लाभ होते हैं बहुत जल्दी उसको प्रकाशन किया जाए। द्रौपदी जी सारे महात्मा के पास जाती थी, वो जिससे भी मिलता था
मर्जी की होगी क्यों नहीं होगी। और जिस तरह से मेरे हृदय में परिवर्तन हुआ है और हमारे गुरुवर उस पर कृपा करते जा रहे हैं, ग्रंथों में जो थोड़ा बहुत भी दखल मेरा हो पा रहा है, ये सब उन्हीं की वजह से ही है। श्रीमान वामन गोस्वामी महाराज अद्भुत की जो पराकाष्ठा है उसकी भी वो परावरी थे। उनको समझना किसी साधारण हृदय का काम नहीं हो सकता। जितना जितना चिंतन करते जाते हैं उनका जो हृदय में भाव है वो और अधिक स्पष्ट होता जाता है। जब तक चैतन्य चेतावन के सिद्धांत पढ़ोगे और उसके बाद आकर आपको देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि आचार्य क्या है। मनोशिक्षा जैसे शास्त्र इन सबके अर्थ जितने जितने हमारे हृदय में उद्भूत होते जाएंगे तब तक समझ में आएगा कि आचार्य वर्ग क्या है। श्रीमद् भागवत के अंदर गोपी गीत है या भ्रमर गीत है इसका अर्थ भी सभी क्लियर होगा जब मालूम पड़ेगा कि आचार्य ने उसकी कैसी व्याख्याएं की है। एक जो गुरु जी के उपदेश है या गुरु जी की किताबें हैं और नाम जरूर हमारा हो रहा है कि अनुवाद किया है लेकिन वास्तव में सारा की सारा अनुवाद गुरु जी के निरीक्षण में ही होता है। रात दिन जब तक गुरु जी उसको ठीक करते हैं, करेक्शन करते हैं, संशोधन करते हैं और उसके बाद ही ग्रंथ प्रकाशित होता है। और ये ग्रंथ हृदय में तभी प्रकाशित होंगे जब गुरु और आचार्य वर्ग के प्रति हमारी शुद्ध निष्ठा होगी, संवेदना होगी, अनुभूति होगी, एक फीलिंग होगी, एक आंतरिक संबंध होगा, एक जो अभिजय तत्व है गुरु जी के साथ, तभी हमारा जो प्रयोजन है और जो गुरु जी से संबंध है, गुरु जी से पहले संबंध ठीक हो उसके बाद हमारे अभिजय यानी ग्रंथ पढ़ने की जो चीज है वो क्लियर हो, उसके बाद ही प्रयोजन जीवन का जो प्रयोजन है और गौड़ीय वैष्णव का जो प्रयोजन है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति या राधा जी का दास, ये तभी मिलेगा जब उनके प्रति हमारी शुद्ध निष्ठा होगी। और इस कदम में जितने हम निर्विकार रूप से, निष्कपट रूप से, निर्दोष रूप से, किसी प्रकार के थोड़े दोष संघ से विवर्जित होकर हम इस मार्ग पर बढ़ चलेंगे तो मुझे लगता है कि जहां तक मैं आई हूँ उससे भी बहुत आगे मैं पहुंच सकती हूँ। हम सभी लोग इसी मार्ग पर चले लेकिन हृदय में बहुत ही निष्कपट मैं, मेरे अंदर एक चीज जरूर रही, आप लोग भी जानते हैं कि मैंने आप लोगों का निष्कपट कोटि कोटि वर्णन किया और आप भी आज भी आप सबके चरणों में इसीलिए पड़ी रहती हूँ कि थोड़ी सी आप मुझे जरा सा कृपा आशीर्वाद कर दें। जब गुरु जी ने मुझे कहा कि तुम वेदांत का अनुवाद करो तो मेरे इतना अपराध हृदय है, मैं सोचने लगी कि गुरु जी तो इतने बीमार रहते हैं और गुरु जी ने तो ये कहा है करो तो बस इतना मैं कुछ गलत बात सोच रही हूँ, इतना सोचा भी सही गुरु जी बोले तुम ये काम करो मैं भी लोगों के साथ अच्छे प्रति बढ़ू। तो ऐसे जो सर्व देवता है त्रिकालज्ञ है ऐसे गुरु जी के सानिध्य में उनके चरणों में जो मेरी भक्ति लता या हम सबकी भक्ति लता का विकास होगा ये तभी होगा जब गुरु वैष्णव के हम आंतरिक संबंध में रहेंगे। गुरु जी तो अस्वस्थ लीला कर रहे हैं, मैंने श्री वामन गोस्वामी महाराज को भी अस्वस्थ लीला करते देखा लेकिन इनकी तो अस्वस्थ लीला है ये खाली दिखावा मात्र है, खाली दिखावा मात्र है। श्री वामन गोस्वामी महाराज रात भर सोए हैं और उनके शिष्य कह रहे हैं कि महाराज उठिए, तो बोलते हैं कि अरे तुम हमको क्यों परेशान करते हो, हम कितने थके हुए हैं। आचार्य
इन्फॉर्मेशन। और भागवत पत्रिका में आप देखेंगे किसी श्रीमती डॉक्टर मधु खंडेलवाल नाम लिखा हुआ मिलेगा। और सभी ग्रंथों में जो कि आपकी सेवा रही अनुदान और अपनी एनर्जी और एक एक बूंद खून जो कि की सेवा में आपने लिखा है, घर से कोई मतलब नहीं रहे, कोई कुछ भी जाए हमें काम करना है, सारे सब कुछ छोड़ करके आप सेवा कर रहे हैं, आपको भी और सभी ग्रंथों में इनका नाम रहा है, जो कि जितने ग्रंथों का नाम होता है जितने ग्रंथों में सब में मधु खंडेलवाल मिलेगा। तो यही है डॉक्टर मधु खंडेलवाल जो कि आपके सामने उपस्थित हुए, अपने वचन को सुनाया। अभी हम लोग परिक्रमा में जाएंगे, पुष्पांजलि पहले पुष्पांजलि दें, पुष्पांजलि देने के साथ साथ हम लोग परिक्रमा में निकलेंगे लास्ट में नेक्स्ट टेम्पो अदर साइड ऑफ टेम्पो दिया है प्रसाद ब्रेकफास्ट प्रसाद हम लोग ये अटेंड पियर वही तो पीरो कुंड रत्न कुंड रत्न वेदी देन नारद कुंड। तो अभी सभी लोग अभी पुष्पांजलि देते हैं और पुष्पांजलि देने के साथ साथ चिंतन के साथ साथ